वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज और मैं हूं विकेश कुमार तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास टेन्थ क्वाडिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 एंड क्वेश्चन नंबर वन तो चलिए शुरू करते हैं तो अब क्वेश्चन क्या है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाडिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स इज इज फाइंड दिम तो बोल रहा है कि हमें जो रूट है उसका नेचर फाइंड करना है और नेचर के साथ साथ हमें यह भी फाइंड करना है ठीक है कि रियल रूट्स है कि नहीं है रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है और रियल रूट अगर एग्जिस्ट करना है तो हमें रूट भी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है कि नहीं है तो दिस इज ऑफ फॉर्म ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज्क्ल टू जीरो वेर एक्वल टू टू बी इक्वल टू माइनस थ्री एन सी इज्क्ल टू फाइव ये चीज हमें देखने को मिला ए बी एंड सी ठीक है जब ए बी सी फाइंड हो गया तो हम डी निकाल देते हैं ओके okay? तो डी स्क्वल टू क्या होगा दिसक्री मिनिंट ओके okay? तो डी स्क्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो डी बी का वैल्यू क्या है माइनस थ्री होल स्क्वायर फोर ए की जगह टू और सी की जगह फाइव तो हम यहां से फाइंड आउट करते हैं नाइन माइनस फोर्टी स्क्वल टू माइनस थर्टी वन माइनस थर्टी वन इज लेस देन जीरो ठीक है तो माइनस थर्टी वन इज लेस देन जीरो अगर डी का वैल्यू जीरो से कम है तो वो रियल रूट नहीं है नो रियल रूट इजिस्ट ओके बिकॉज डी इज लेस देन जीरो तो जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं होता तो हम रूट्स फाइंड आउट ही नहीं करेंगे ओए इसको खोल दिए सारा इसमें आ रहा है हम बार बार सारा कर रहे हैं बंद करो तो ओके okay. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस तो यहां पे क्या बोल रहा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज टू जीरो फाइंड आउट करना है इसका भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये रियल रूट्स है कि नहीं अगर रियल रूट्स है तो रूट्स फाइंड कीजिए अगर नहीं है तो रहने देते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है तो दिस इज ए फॉर्म दिस इज ऑफ द फॉर्म एच सो स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज्क्ल टू जीरो वेयर ए थ्री बी माइनस फोर थ्री एन सी इज्क्ल टू फोर तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर हो गया तो हम डिसक्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिसक्रिमिनेंट यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके okay? तो b क्या वैल्यू क्या है माइनस फोर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह हमारे पास थ्री बी की जगह फोर फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट जीरो पे d का वैल्यू क्या आ गया जीरो इफ d इक्वल टू जीरो अगर d का वैल्यू जीरो होगा तो वैल्यू क्या होता है रियल भी होता है और इक्वल रूट एजिस्ट करेगा तो बोल सकते हैं हेंस रियल एंड इक्वल रूट्स तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा तो इक्वल रूट इज करेगा बाय द वे तो h की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे तो एच्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू ए ठीक है अगर डी जीरो हो जाता है तो एच का मात्र एक ही वैल्यू होता है ठीक है दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं इसलिए एक ही वैल्यू मान लेते हैं तो एच इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए ये तभी होता है जब ए डी का वैल्यू जीरो होगा तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस फोर रूट थ्री तो माइनस वहां पर भी है माइनस यहां पर भी है तो प्लस हो गया फोर रूट थ्री टू ए की जगह हमारे पास है थ्री ठीक है तो रिजल्ट क्या है टू रूट थ्री बाई थ्री तो एक्स का दोनों वैल्यू जो होगा वो टू रूट थ्री बाई थ्री होगा क्योंकि इक्वल है ओके तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है तो यहां पर एक दूसरा इक्वेशन है वो इक्वेशन है हमारे पास टू एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच प्लस थ्री इक्वल टू जीरो देन हम इसको भी चेकआउट करते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू जीरो देन ए की वैल्यू क्या होगी यहां से वियर ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स एंड सी इक्वल टू थ्री तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ठीक है डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो सबसे पहले डी हम चेकआउट करते हैं तो डी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर एंड फोर ए की जगह टू बी की जगह थ्री यानी कि थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर टू टूल्व तो डी टूल्व डी ग्रेटर वैल्यू जीरो से बड़ा है और जैसे ही d का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है तो इसके दो ए, दो वैल्यू आते हैं यानी रूट से क्या होता है तो यहां पे लिख सकते हैं कि ठीक है हेंट रियल रूट एग्जिस्ट रियल रूट होगा और रियल रूट हो गया क्या एस का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू एके तो यहां से फाइंड आउट करो माइनस माइनस प्लस हो गया सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर डी की जगह ट्वेल्व टू ए ए की जगह क्या है हमारे पास टू है ओके okay? तो यहां से हम देख सकते हैं टू रूट थ्री बाई फोर और इसमें से कॉमन आएगा टू तो आ गया थ्री प्लस माइनस रूट ओवर थ्री बाई फोर ओके और आया थ्री प्लस माइनस रूट ओवर थ्री बाई टू तो एच के दो वैल्यू आए एक आए थ्री प्लस रूट ओवर थ्री बाई टू और एक आया थ्री माइनस रूट ओवर थ्री बाई टू ठीक है एच के दो रूट आए एक आए थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू एंड थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू तो एच के दो वैल्यूज आए ओके तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर टू के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय